हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्विज इंडिया। आई एम जितेंद्र निर्वाणी, यूर जेएस सर। आज के सेशन में बेटा जो हमारा स्पेशल सेशन जो बीच बीच में ला रहा हूँ, थोड़े बीच में रुक जाते हैं बेटा, क्योंकि वो तो बीच बीच में आते रहेंगे। उसमें आज मैं आपको एक वेरी वेरी स्पेशल चीज़ सिखाऊंगा बेटा, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, आपको लगता होगा कि आपको आती है, बट ये मेरा अनुभव है कि बच्चों को बैलेंसिंग ढंग से नहीं आती है बेटा। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन स्पेशली, नॉर्मल रिएक्शन तो हम हीट एंड ट्रायल से भी बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है ना, रेडॉक्स रिएक्शन में बच्चा नॉर्मली गड़बड़ ही करता है, और उसकी मैं आपको एक साइंटिफिक ट्रिक आज बताने जा रहा हूँ, जिसकी हेल्प से आप किसी भी रिएक्शन को बड़ी आसानी से 10 से 15 सेकेंड 20 सेकेंड में बैलेंस कर सकते हैं। और ये आना हमारे लिए खूब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी पता है बेटा, जेई एग्ज़ाम हो, नीट एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बैलेंसिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही। और मेन चीज़ है बेटा, ये हमारे इनर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मस्ट है, क्योंकि हम कई बार जो हम इतनी सारी रिएक्शंस एनसीईआरटी बुक में देखते हैं या ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उनमें हमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता है बेटा। ठीक है ना, तो अब ये सीरीज़ आपकी चलती रहेगी, और उसमें मैं इनऑर्गेनिक के स्पेशल सेशंस लूँगा आपके, खूब अच्छी अच्छी चीज़ें समझाऊँगा बेटा। आज हम पहले बैलेंसिंग को सीख लें एक अच्छे तरीके से। ठीक है ना, तो रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग, रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। ठीक है ना, रिडक्शन क्या होता है बच्चा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो रेडॉक्स रिएक्शन जो है आपका इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है। रेडॉक्स का वर्ड ही आप में से कई बच्चों को पता होगा, बट कईयों के लिए नई चीज भी होगी, हो सकता है उन्हें अभी तक यही ना पता हो। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। वॉट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज, अभी मैंने बोला, रिडक्शन इज योअर लॉस की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन इज वॉट? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, ये चीज होती, ये सब पता होगा मुझे लग रहा है ना सभी को, बट तब भी जो मैं चीज़ें आप सिखाने जा रहा हूँ वो नहीं होंगी बेटा, वो फास्ट टेक्निक कैसे करना है बैलेंस को। तो अब मैं पहले एक आपको OHR का मीनिंग समझाऊंगा। व्हाट इज OHR? व्हाट इज OHR? OHR इज अवर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। OHR इज अवर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। हमें खूब चैप्टर्स में जरूरत पड़ती है बेटा, आपने कभी उतना ध्यान नहीं दिया होगा, बट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की जरूरत आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लिखने में पड़ती है। रिडॉक्स टाइट्रेशन जब करते हो बेटा, तब एन फैक्टर वगैरह निकालने में भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है, और दोनों में ही हम कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। एन फैक्टर तो स्पेशली बच्चों का सबसे वीक होता है, ठीक है, और उसकी हेल्प से तो हम चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम समझते हैं उनको ढंग से। और वॉट इज योर RHR? वॉट इज योर RHR? RHR इज माई रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये क्यों खुल गया भाई, नाराज मत हो। ठीक है जी, तो एक हाफ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, दूसरी हाफ रिएक्शन है बेटा रिडक्शन। अगर हम इन दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं तो हमें मिलती है रेडॉक्स रिएक्शन। अगर हम इन दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं तो हमें मिलती है क्या बच्चा? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है जी, तो हमें रेडॉक्स रिएक्शन मिलती है। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का मीनिंग क्या बेटा? है ना, ऑब्वियसली एक ऐसी हाफ रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो। तो बी केयरफुल, बच्चा यही नहीं समझ पाता बेटा, हाफ रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन आते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर इतनी गड़बड़ियाँ करते हैं ना बेटा बच्चे, लाइक हेबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन, N2+3H2 gives 2H3। है ना, क्वेश्चन आते हैं इनमें से कौन सी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, ठीक, तो बच्चा पहचानने में भी और टाइम लगाता है बेटा, वो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज वेंज खूब चीज़ें निकालता है। उन्हीं चीज़ों को मैं फास्ट करने की टेक्निक बताने, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने आया हूँ आपको। अगर एलिमेंट से कंपाउंड के फॉर्म में जा रहे हो या कंपाउंड से एलिमेंट के फॉर्म में आ रहे हो, ऐसी सब रिएक्शन रिडॉक्स हैं। डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर वेन एवर इन एनी रिएक्शन, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन नॉर्मली आता ही है, इनमें से डिस्प्रोपोर्शनेशन कौन है, इनमें H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, किसमें रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, फलाना ढिमका टाइप का जो भी क्वेश्चन हो, अल्टीमेटली वो रेडॉक्स रिएक्शन का ही क्वेश्चन है बेटा। सब में थीम यही है, और अगर चार ऑप्शन देके पूछे इनमें से कौन सी रेडॉक्स है कौन सी नहीं है, तो ध्यान देना जो आप हर क्वेश्चन को ऑक्सीडेशन नंबर से करते हो, ठीक है, कि निकाल के चेक करना, वो थोड़ी सी गलत अप्रोच है, बिकॉज थोड़ी सी फास्ट टेक्निक्स भी हमें पता होना चाहिए। फास्ट टेक्निक्स यही है बेटा कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर का पूरा आइडिया होना चाहिए, ठीक है जी, पूरी तरह से
ठीक है। और रेडॉक्स रिएक्शन पहचानने का तरीका तो मैं बता ही रहा हूँ बेटा, क्या होना चाहिए, एलिमेंट से कंपाउंड, कंपाउंड से एलिमेंट अगर हो रहा है तो आपका रेडॉक्स रिएक्शन पक्का है। अब इसमें पूछ लिया कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रिड्यूसिंग एजेंट, अब ऑक्सीडेशन नंबर की नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है तो कितनी ऑक्सीडेशन नंबर रखता है बेटा, प्लस वन, और मेटल के साथ जब कंबाइन करता है तो कितनी ऑक्सीडेशन नंबर रखता है, माइनस वन। यहाँ पर नाइट्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करती हैं, खुद रिड्यूस होती है, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, तो पक्का ये आपका क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए रेडॉक्स भी हमने तुरंत पहचान ली बाय द नॉलेज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानने में बच्चा खूब गड़बड़ होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे भैया, है ना, बच्चों को लगता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो, ये इतनी मिस्टेक है बेटा, मैं अपने 20 साल का गहन अनुभव आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप किसी भी टीचर को ऑनलाइन में सिलेक्ट कर रहे हैं बेटा, जिसको भी सिलेक्ट करें उसके शिद्दत के साथ पढ़ें, ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस है। मैं अलग से सेशंस तो नहीं लेता हूँ यूट्यूब पर लाइव, अब जल्दी मैं सोच रहा हूँ मैं लाइव सेशंस के थ्रू आपके पास आऊँगा, कुछ कॉन्सेप्ट बताने, कुछ मैं आपको ज्ञान देने, और जल्दी ये चीज़ आपके लिए बच्चों की खूब डिमांड रहती है तो मैं करने वाला हूँ उन चीज़ों को भी फॉलो, ठीक है जी। बट एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, बस मैं ये कह रहा हूँ, अब जिस भी टीचर को फॉलो करें बेटा, फिर ब्लाइंडली उसे फॉलो करें। आप 10 जगह इसका थोड़ा सा पढ़ लिया, इसका थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा, ठीक है, उससे आपका ही नुकसान होगा। कि सर मैं YouTube पे इतना सा फ्री कंटेंट है, डेली सर्च मारता हूँ, सर्च मारने में आपका आधा दिमाग भी पजल है, जब आप सर्च मार रहे हो तो 10 चीज़ें आपको फिर और भी मिल जा रही, कभी ये वीडियो देख लिया, कभी वो, कभी गाना सुन लिया, अल्टीमेटली इट्स वेस्टिंग ऑफ टाइम, ठीक है ना। हाँ, टीचर का सिलेक्शन आपको जरूर करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कितने साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, कहाँ वो पढ़ा हुआ है, ये सब चीज़ें, डिग्री विग्री मतलब देखना तो चाहिए बेटा, है ना। आप जैसे एक स्कूल चुनते हो, जब आप अपने लिए अच्छा कॉलेज चुनते हो तो ऑब्वियसली आपकी रैंक अच्छी आएगी तो आप कॉलेज भी अच्छा चुनोगे, ठीक है ना। आप बचपन में स्कूल सिलेक्ट करते हैं आपके पेरेंट्स, तो अच्छा उस पर्टिकुलर स्कूल की क्या रेपुटेशन, ये सब देखते हैं। ऐसे ही हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं बेटा, कपड़े सिलेक्ट करते हैं या कोई भी एटसेट्रा, कार हो, बाइक हो, तो हम यही देखते हैं ना कौन सी चीज़ अच्छी है। तो आपको टीचर के सिलेक्शन में भी थोड़ा सा उसकी डिग्री, उसका एक्सपीरियंस का ध्यान रखना जरूरी है। और एक बार आप उसे सिलेक्ट कर लेते हो, फिर आप जिसे भी सिलेक्ट करें कि ठीक है यार मेरे को तो इसी के साथ कंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है, आप उसी के साथ सिलेक्ट करें। बस एक एडवाइस है कि डू नॉट गो ऑन द फेस ऑफ टीचर कि ये अच्छा है, ये बेकार है, इसका चेहरा अच्छा है, चेहरे से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला बच्चों, आपका सिलेक्शन, ठीक है ना, मतलब चेहरा मतलब इन जनरल कि यार खड़े रहने की स्टाइल अच्छी है, बीच में जोक अच्छे मार लेता, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा मैं एडवाइस देते चलूँ बीच में आपको। चलिए वापस हम अपने बैक टू द टॉपिक आएँ, ज़्यादा हम टाइम खोटी न करें। तो अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है ना, तो देख लिए आप ऑक्सीडेशन नंबर से चलना चाहते हो, नाइट्रोजन जीरो से माइनस थ्री में क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। और हाइड्रोजन की बात करें बेटा तो जीरो से किस में गया है, प्लस वन, ये भी हो गया, ठीक है जी। तो अगर मुझे इसे हाफ रिएक्शन के फॉर्म में लिखना होता, इसे मुझे हाफ रिएक्शन के फॉर्म में लिखना होता तो कैसे लिखता बेटा, नाइट्रोजन के लिए मुझे रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखनी पड़ती, आई विल से एन टू जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एन माइनस थ्री में, ठीक है ना, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है ये, एन टू है बेटा, इसे बैलेंस करो टू, और उसके बाद चार्ज को बैलेंस करो, यहाँ जीरो है, यहाँ माइनस सिक्स है, तो यहाँ हमने कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, सिक्स इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला ये रिडक्शन इज नथिंग बट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए बच्चा आपका, गेन हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए भैया, गेन हो गए, ठीक है जी। अब बात करें बेटा अगर इसी रिएक्शन के रिस्पेक्ट में बात करूँ, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, एच टू से किस में जा रहा है वो एच प्लस, ठीक है जी। अब बैलेंस करने का रूल ये है बेटा, पहले दो डाले, ठीक है, पहले एटम बैलेंस करते हैं, अभी मैं बैलेंसिंग पे आ रहा हूँ, पहले मैं थोड़ा सा बैलेंसिंग से पहले आपको जो नॉलेज देने चाह रहा था बस वो भी खूब जरूरी है, क्योंकि आखिरी में आप गड़बड़ ना करें, ठीक है जी। अब चार्ज को बैलेंस बेटा, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यू कैन सी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं बेटा, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा राइट हैंड साइड में आएंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज अपीयर इन राइट हैंड साइड और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी, ठीक है ना। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज अपीयर इन लेफ्ट हैंड साइड, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगी। कई बार बच्चा ऑक्सीडेशन नंबर घटना और बढ़ना एन फैक्टर में जो मेजर मिस्टेक हो जाती है उसको ढंग से समझ नहीं पाता बेटा और गड़बड़ कर देता है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा। आपको नंबर लाइन तो आई होप पता होगी, ये जीरो है बेटा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, आई होप इतना तो सभी को पता होगा, ठीक है ना, भले हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इतनी बेसिक चीज़ सभी को पता होगी, ठीक है, माइनस जीरो प्लस, ठीक है जी। आप जब भी लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, अब आई होप इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि माइनस थ्री और माइनस टू कैसे बनाओगे आप इस नंबर लाइन पर,
तो ऑब्वियसली ये माइनस टू है, अगर मैंने यहाँ बनाया तो माइनस थ्री कहाँ बनाऊंगा बेटा ना। आप बोलोगे सर एकदम बच्चों जैसे पढ़ा रहे हो, बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा बेटा, क्योंकि मुझे पता है 20 साल का मेरा अनुभव बताता है कि इसमें बच्चा गड़बड़ कर देता है, ठीक है ना। तो माइनस थ्री उसके लेफ्ट में ही होगा बेटा, और अगर मैंने यहाँ प्लस थ्री बनाया बेटा, अब मुझे प्लस फाइव बनाना है तो वो कहाँ बनाऊंगा, ऑब्वियसली इसके राइट में। तो मैं आपको यही एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ बेटा कि वेन एवर यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो नंबर लाइन मतलब ना, अगर आपका कमांड है अच्छा है तुरंत करिए, अदरवाइज अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो दैट इज योर ऑक्सीडेशन। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं बेटा, चाहे वो माइनस थ्री से माइनस टू हो, चाहे माइनस थ्री से जीरो हो, चाहे माइनस थ्री से प्लस थ्री हो, चाहे माइनस टू से जीरो हो, माइनस टू से प्लस थ्री, कुछ भी, वेन एवर आई एम मूविंग लेफ्ट टू राइट दैट इज माई ऑक्सीडेशन, और अगर मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ दैट इज माई रिडक्शन, ना दैट इज माई रिडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स केवल और केवल हाफ रिएक्शंस में आते हैं, इट इज अ कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन, इट इज अ कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन। कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, इट इज अ कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आते बेटा, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन बनाने से पहले रूल ही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। रेडॉक्स रिएक्शन बनाने का रूल ही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। यहाँ पर वही हो रहा है बच्चा, ठीक है ना। आप बोलोगे सर ये तो छः और दो है, नहीं आपके पास हाइड्रोजन के तीन मोल है। अब ये इक्वेशन अपने आप में सही है बच्चा, बट आपको अगर लिखना हो तो आप इसे तीन, इसे छः, इसे छः करिए, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ रिएक्शन नोन एज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन कभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने चाहिए बच्चों। जैसे ही मैं ऐड करूंगा ये सिक्स इलेक्ट्रॉन, सिक्स इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, एन टू प्लस थ्री एच टू लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, राइट हैंड साइड में टू एन माइनस थ्री सिक्स एच प्लस, जिन्हें मैं कंबाइन करके टू मोल्स ऑफ क्या बना सकता हूँ, एन एच थ्री बना सकता हूँ। तो ये चीज़ पहली सबसे इंपॉर्टेंट सुन ले बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं आएंगे, क्योंकि रूल ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में RHS में आएंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, ठीक है जी। चलिए तो इन्हें हाफ रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें आधी प्रोसेस हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको आज के सेशन में बेटा पहले बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शंस को ही समझाऊंगा, है ना, बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन, ठीक है, और इससे फुल रिएक्शन आप बड़ी आसानी से करना सीख जाओ। अब हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने का बेटा जो मेरी JH ट्रिक है हमारी, ठीक है ना, JH ट्रिक है वो है, आओ आओ हांगकांग चलें, आओ हांगकांग चलें, मिलके चलेंगे बेटा कभी ना कभी, तो लेट होप फॉर द बेटर, सब कुछ सही होगा, हम आप मिलेंगे बेटा कभी ना कभी, कोटा आइएगा आप मिलेंगे, और आप भले मुझे अपने घर बुलाएंगे मैं आऊँगा मिलने बच्चों, ठीक है, प्रोवाइडेड आप अपना सिलेक्शन नीट JEE जो भी कर रहे हैं अच्छे रैंक से फोड़िए, सब कुछ अच्छा करिए बच्चों, ठीक है। तो JH ट्रिक है बेटा, आओ हांगकांग चले। अब सर कहाँ रेडॉक्स रिएक्शन में हांगकांग ले जा रहे हो, हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग का केवल एक ही रूल है बेटा, आओ हांगकांग चले, AOHC दिस इज द रूल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ एनी हाफ रिएक्शन, AOHC, ठीक है ना। व्हाट टर्म्स रिप्रेजेंट, ए स्टैंड हियर फॉर एटम, ठीक है जी, ओ स्टैंड फॉर बच्चा ऑक्सीजन, H स्टैंड फॉर मेरे लाल पीले जो भी हो आप बेटा, सभी प्यारे छात्रों छात्राओं जो भी हो, हाइड्रोजन, ठीक है जी, एंड C स्टैंड फॉर चार्ज, एंड C स्टैंड फॉर किसके लिए बेटा, चार्ज, ठीक है जी। ये सबसे पहले किसी भी हाफ रिएक्शन में बेटा, कितनी भी बड़ी हाफ रिएक्शन में दे दूं आपको, 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा लग ही नहीं सकते बैलेंसिंग, हार्डली बेटा, अगर आप आज मेरी ट्रिक समझ ले रहे हो AOHC, ठीक है जी। और अगर हम हाफ रिएक्शंस करना सीख गए बैलेंस, तो रेडॉक्स रिएक्शन नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ रिएक्शन, एक रेडॉक्स, एक ऑक्सीडेशन वाली अलग तोड़ो, रिडक्शन वाली अलग तोड़ो बेटा, और दोनों को ऐड कर दो। अगर हम डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं बैलेंस, मैं वो भी टेक्निक बताऊंगा, आज हम पहले हाफ रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। AOHC, एटम देन ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन देन चार्ज, सबसे पहले एटम देन ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन देन चार्ज, ठीक है ना। अब स्टेप वन लिखना हो तो लिखे, नहीं तो मैं जल्दी से सुनाते चल रहा हूँ। स्टेप वन क्या बोलता है, स्टेप वन, बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, है ना, बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर रिमेनिंग जितने भी एटम्स हैं उन्हें बैलेंस करो, बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एक्सेप्ट, है ना, आप एक्सेप्ट लिख दो, अदर देन लिख लो, जो भी, ठीक है। मैं अपने काउंटर सपोर्ट में बेटा
एक रिएक्शन साथ में आपके लिए लेते चल रहा हूँ। MnO4 माइनस, मान लीजिए मैं कन्वर्ट करवा रहा हूँ Mn+2, एक रिएक्शन। अभी आगे तो और करेंगे। अब यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बेटा वी हैव ओनली मैंगनीज विच इज ऑलरेडी बैलेंस, एक एटम LHS में एक RHS, ठीक है जी, खत्म। ठीक, स्टेप टू बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। स्टेप टू इज बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन यूजिंग डिजायर्ड मीडियम। मीडियम को देखते हुए बेटा, और मीडियम हमारे पास हमें पता है बेटा, या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। मीडियम को देखते हुए ऑक्सीजन को बैलेंस करना, तो मीडियम या तो एसिडिक होगा बच्चा या फिर बेसिक होगा, ठीक है जी। ठीक, अब किसी भी रिएक्शन में बच्चों, ठीक है ना, ध्यान देना, मैंने तो खूब देखा बेटा, मैं उन्हीं एक्सपीरियंस को बस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दैट्स आई एम सेइंग यू कि फॉर द सिलेक्शन ऑफ टीचर आपको उसका एक्सपीरियंस, डिग्री, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बेटा, ठीक है ना। हो सकता है मेरा चेहरा आपको पसंद ना हो, बट मेरा कंटेंट आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि वो स्पेशली डिजाइंड है फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। एक एक चीज़ आप कोई भी कोर्स मेरा देखेंगे, ठीक है ना, तो उसमें आपको समझ में आना चालू होंगी चीज़ें कि हाँ भैया, जब पूरा चैप्टर बेटा है ना, शुरू के एक दो दिन तो हो सकता है कि कुछ अच्छा आपको कोई भी करा दे, बट लॉन्ग रन में व्हेन यू सी तो यू विल फील द डिफरेंस कि हाँ देर इज अ डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है ना। ठीक है जी, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मीडियम की बात करूँ। पहले मैं एक चीज़ ये बोल रहा था कि किसी भी रिएक्शन में बच्चों से हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होता ना, वो H2 डाल देता है। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होता, वो O2 डाल देता है। बिल्कुल महाबकवास आइडिया है, बिल्कुल गलत है। किसी भी केमिकल रिएक्शन जो भी आप बैलेंस करो, वेदर इट इज हाफ रिएक्शन और फुल रिएक्शन, अगर आपके पास कुछ डालने का अधिकार है एक्स्ट्रा, हाँ क्वेश्चन ये हो कंप्लीट एंड बैलेंस द रिएक्शन, मैं उस पर भी आऊँगा बेटा। कंप्लीट एंड बैलेंस द रिएक्शन मतलब आज के सेशन में नहीं, अब ये सेशन धीरे धीरे करके गैप दे दे के आते रहेंगे आपके पास। कंप्लीट एंड बैलेंस द रिएक्शन, और उसी से मैं इनऑर्गेनिक का आपको सिस्टमाइज वे में रिविजन करना सिखाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है जी। तो क्या बोल रहा था, कंप्लीट एंड बैलेंस द रिएक्शन में फिर आपको प्रोडक्ट खुद डिसाइड करने पड़े। व्हेन आई हैव गिवन जेई, जब मैंने जेई दी थी बेटा 1997 में, ठीक है ना, मैं सिलेक्ट भी हुआ था, आई एम बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम IIT खड़गपुर। तब इस तरह के क्वेश्चन का ज़्यादा वेटेज होता था, क्योंकि तब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, रिएक्शन बैलेंस भी करो कंप्लीट भी करो। अब आप लोगों के लिए तो केवल ऑब्जेक्टिव है बेटा, तो इसलिए नॉर्मली वो कंप्लीट तो नहीं पूछता है, वो एक रिएक्शन दे देता है और उसमें कोफिशियंट वगैरह पूछता है, इसमें ए का, बी का, सी का, डी का कोफिशियंट बताइए, ठीक है जी। तो देखिए, तो अब मैं पहला रूल बोल रहा हूँ बेटा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक्स्ट्रा अगर आपके पास कुछ भी डालने का अधिकार है, दैट इज़ ओनली वाटर, बिकॉज नॉर्मली रिएक्शंस आर रनिंग इन एक्वस फेज। और वाटर है बेटा, तो वाटर इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ किस किस का, H+ और OH-, ठीक है। इन तीनों के अलावा अगर आप कुछ भी डाल रहे हो, वैसे ही आपका क्वेश्चन गलत है। इन तीनों के अलावा आपने कुछ भी डाला तो वैसे ही आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो बस वाटर, H+ और OH-, इनडायरेक्टली तो वाटर ही है बेटा, बट इट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ H+ एंड OH-, इसलिए यही डालने का अधिकार है। H+ जब आपको दिखाई देगा क्वेश्चन में, दैट मीन H+ दिखाई देने का मतलब है योर मीडियम इज एसिडिक। H+ दिखाई देने का मतलब ही है योर मीडियम इज एसिडिक, ठीक है। और अगर आपको नजर आ रहा है बच्चा क्या OH-, दैट मीन योर मीडियम इज बेसिक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। H+ नजर आ रहा है मतलब एसिडिक, OH- नजर आ रहा है मतलब बेसिक। तो स्टेप टू है बेटा ऑक्सीजन की बैलेंसिंग यूजिंग डिजायर्ड मीडियम। अब एसिडिक मीडियम में कैसे करते हैं, है ना, एसिडिक मीडियम में ये बैलेंस होता है बच्चों H2O और H+ से, ठीक है जी। और बेसिक मीडियम में किससे बैलेंस होता है, H2O और OH-। एसिडिक मीडियम में इट इज बैलेंस बाय H2O एंड H+, बेसिक मीडियम में इट इज बैलेंस बाय H2O एंड OH-, ठीक है जी। अब क्या तरीका होता है बच्चा, है ना, बच्चों को पता तो होता है बट लॉजिकली नहीं पता होता। एसिडिक मीडियम में जिस तरफ ऑक्सीजन कम होते हैं उतने वाटर डालो, जैसे ये रिएक्शन अभी मैं मान लेता हूँ हम एसिडिक मीडियम में लेते हैं ना, और बाय डिफॉल्ट ये रूल भी बेटा अनलेस अदरवाइज मेंशन, आपको रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में ही करना है। तो अगर मैं इसे एसिडिक मीडियम में मान के चलता हूँ, ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, चार ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में है तो हमने चार वाटर मॉलिक्यूल्स राइट हैंड साइड में डाले। अब जितने वाटर मॉलिक्यूल्स आप डालोगे अपोजिट साइड में, उसका डबल मतलब चार का डबल 8H+ आपको अपोजिट साइड में डालने, है ना। तो इन एसिडिक मीडियम वाटर इज बैलेंस बाय H2 एंड H+। H2O कहाँ डलेगा, जहाँ ऑक्सीजन कम होंगे, और H+ कहाँ डलेगा, उसके अपोजिट साइड में बेटा, कितना जितने वाटर डाले उसके डबल। अब ये बच्चा रट लेता है बेटा, उसे लॉजिकली रूल ही नहीं पता होता ऐसा करा क्यों हमने,
है ना, और कई बार बताया भी जाता है और कईयों को तो पता भी नहीं होता बेटा, जो पढ़ाते हैं वो बस रूल लिखा के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं चीज़ें फैक्चुअल बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको लॉजिकली आपको अपने सिलेक्शन से मतलब है, तो आपको लॉजिक खूब स्ट्रांग होना चाहिए, रट के काम नहीं चलने वाले बेटा। आई हैव सीन की कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन तक की रिएक्शन मेरे अपने पढ़ाए हुए 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अगर मैं एवरेज 2500 से 3000 बच्चे भी ऑफलाइन में, ठीक है 2 साल से थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है आपको भी पता है, बट अदरवाइज 2500-3000 बच्चे मैं हर साल पढ़ा लेता था बेटा, है ना। आई हैव टॉट इन ऑल द बेस्ट कोचिंग ऑफ कोटा, चाहे रेजोनेंस हो, बंसल हो, एलन हो बेटा, सभी जगह मेरा एक्सपीरियंस है ना, सभी जगह मैंने अपनी सेवाएं दी हैं और अब ये सेवाएं आपके लिए हाजिर हैं, उन सेवाओं का फ़ायदा आपको भी उठाना है, रेस्ट इज अप टू यू, ठीक है जी। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि ये पता नहीं होता बेटा क्यों, रूल इसलिए बनाया गया ऐसा बेटा, क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने जा रहे हैं तो हमारा पर्पस केवल ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, हम एक एलिमेंट को बैलेंस करने जा रहे हैं तो मेरा पर्पस उस एलिमेंट को बैलेंस करना है, दूसरे को डिस्टर्ब करना नहीं। अगर मैंने 4 H2O डाले तो इनडायरेक्टली मैंने कितने हाइड्रोजन डाल दिए, 8। अगर मैंने 4 वाटर डाले तो इनडायरेक्टली मैंने कितने हाइड्रोजन डाल दिए बेटा, 8, इसलिए मुझे अपोजिट साइड में 8H+ डालने पड़े हैं, क्योंकि मेरा पर्पस ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ना कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को डिसबैलेंस करना है ना। अब मेरा पर्पस बेटा घर में अगर मुझे किसी को खुश रखना है तो मैं अपनी तरफ से उसे खुश रखूँ, बट किसी दूसरे को नुकसान पहुँचा के खुश रखूँगा तो वो फिर है ना उसका कोई फ़ायदा नहीं है, समझ रहे हो ना आप, तो ये लॉजिक ऐसा समझना, ठीक है। बेसिक मीडियम में क्या होता है बेटा, बेसिक मीडियम में कहानी थोड़ी सी उल्टी हो जाती है, ठीक है ना, बेसिक मीडियम में कहानी उल्टी हो जाती है, मतलब एसिडिक मीडियम में जहाँ पर लेस था ऑक्सीजन वहाँ ये ऐड होता है, बेसिक मीडियम में उल्टा जहाँ एक्सेस होता है ऑक्सीजन वहाँ ऐड होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बेसिक मीडियम में काउंटर कंपोनेंट है बेटा OH-, बेसिक मीडियम में काउंटर कंपोनेंट है OH-, है। मैं सामने एक रफ आइडिया बता दे रहा हूँ बेसिक मीडियम का, मान लीजिए यहाँ 3 ऑक्सीजन है बेटा, यहाँ 0 है ना, यहाँ नहीं है, मतलब ऐसा लिख लेते हैं 0 को, क्या लिखूँ क्योंकि अदरवाइज आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हमने इस तरफ तो जिस तरफ ज़्यादा थे उस तरफ 3H2O डाल दी, जिस तरफ ज़्यादा थे उस तरफ हमने 3H2O डाल दिए बेटा। तो अब देखिए आप, 3 ऑलरेडी ज़्यादा था, 3 आपने और ज़्यादा कर दिए बेटा, कितने हो गए 6, और हाइड्रोजन भी आपने 6 डाल दिए, तो आपके पास बचा हुआ क्या बच्चा OH-, वो दोनों को एक साथ कंपेंसेट कर देगा, वो दोनों को एक साथ कंपेंसेट कर देगा, ठीक है। इस वजह से बेसिक मीडियम में रूल उल्टा हो जाता है, जिस तरफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन कम ज़्यादा है उसी तरफ उतने वाटर डालो और अपोजिट साइड में उसके डबल, दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि जब मैं ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा हूँ तो मेरा पर्पस केवल ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को डिसबैलेंस करना नहीं, ठीक है जी। अब स्टेप 3 क्या होती है बेटा, स्टेप 3 इज हाइड्रोजन बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज ऑलवेज बैलेंस्ड बाय H+ भैया, कभी H2 मत डाल देना, हाइड्रोजन इज ऑलवेज बैलेंस्ड बाय H+, ठीक है। और कहाँ डलेगा बेटा, इतना तो आप मुझे खुद ही बता सकते हो, ऑब्वियसली जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा, कहाँ डलेगा, जहाँ हाइड्रोजन कम होगा, कहाँ डलेगा, जहाँ हाइड्रोजन कम होगा, ठीक है जी, वहाँ उतने H+ डाल दो, ठीक है। यहाँ पर अभी कम नहीं है, इधर 0 है, इधर 8 है, इधर 0 है, इधर 8 है। अब ये जो हमने गिना है ना, ये भी कॉन्सेप्चुअली गलत है, क्योंकि आपके लिए तो बेटा एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है। अब इनकी भी मैं ट्रिक्स बताऊंगा, पहले तो बैलेंसिंग की ट्रिक बता दूं, फिर उसकी अभी बता ही देता हूं, सुना ही देता हूं बेटा। हाइड्रोजन को कभी, ये 4 स्टेप है, चलो पहले स्टेप 4 भी लिख दें फाइनली, है ना। स्टेप 3 में आपको लिखना हो तो लिखना, हाइड्रोजन इज बैलेंस बाय H+ एंड एट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H+ आयन ऑन द साइड डिफिशियंट विथ हाइड्रोजन, है ना, एड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्या H+ आयन ऑन द साइड डिफिशियंट विथ हाइड्रोजन, और लास्ट एंड फाइनल इज बेटा बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, और चार्ज हमेशा हाफ रिएक्शन, अभी मैं हाफ रिएक्शन बता रहा हूँ आपको, चार्ज हाफ रिएक्शन में हमेशा किससे बैलेंस होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन से, चार्ज हमेशा किससे बैलेंस होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ डलेगा बेटा, जिस तरफ चार्ज ज़्यादा होगा, अगर LHS में +2 है, RHS में +3 है, कहाँ डलेगा, जहाँ चार्ज ज़्यादा है +3 वाले तरफ, कितना 1। बच्चे ये भी नहीं गिन पाते बेटा, मैंने जो देखा है मैं उन्हीं बातों को आपसे कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो देखा है बच्चों मैं उन्हीं बातों को कर रहा हूँ कि ये सबसे वीक पॉइंट है स्टूडेंट्स का, और इसी से उनका एन फैक्टर, ऑक्सीडेशन नंबर में, इन सब चीज़ों में इतनी गड़बड़ियाँ हो जाती है कि फिर उसे लगता है सब कुछ हवा हवाई हो रहा मेरा। मोल रेडॉक्स से डर लगने का बेसिक रीज़न ये है कि नेदर वी आर प्रॉपरली बैलेंसिंग द रिएक्शन, ना हम एन फैक्टर निकाल पा रहे हैं बेटा, ना हम एक के मोल से दूसरे मोल निकाल पा रहे हैं, इसीलिए ये दो चैप्टर सबसे ज़्यादा हवा क्रिएट करके चलते हैं, थोड़ा बहुत आपने भी सुना होगा, ठीक है जी। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन से होगा, इसलिए जहाँ वहाँ ऐड होगा जहाँ चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन का मैं रूल बता रहा था बेटा,
अब ये चार स्टेप्स तो हैं बच्चों, बट जरूरी नहीं कि आपको हर रिएक्शन में इन चारों स्टेप्स की जरूरत पड़े, जरूरी नहीं है आपको हर रिएक्शन में चारों स्टेप की जरूरत पड़े, ठीक है ना। मैक्सिमम रिएक्शन में हमारा काम दो या तीन स्टेप से ही हो जाता है, बट पता हमें चारों होना चाहिए बेटा। मैक्सिमम में हमारा काम दो या तीन से ही हो जाता है। अब मैं हर तरह के क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या शॉर्टकट है? हाइड्रोजन का शॉर्टकट और सुन ले बेटा, हाइड्रोजन को बचाने का, अगर आपके ओरिजिनल जो कंपाउंड्स गिवन है, अगर आपके जो ओरिजिनल कंपाउंड्स गिवन है उनमें हाइड्रोजन नहीं है, MnO4- माइनस था ओरिजिनल और Mn+2, ये सब तो हम डाल रहे हैं बच्चों, अगर ओरिजिनल कंपाउंड में हाइड्रोजन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस होगा। अगर ओरिजिनल कंपाउंड में हाइड्रोजन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन अपने आप ही आपका बैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अगर H2O के साथ H+ डाला है तब भी आपने वो बैलेंस करते हुए ही डाला है, आपने H2O के साथ OH- डाला है तब भी वो बैलेंस करते हुए डाला है। तो थर्ड स्टेप को आप हमेशा स्किप कर सकते हो, बट कीपिंग इन माइंड कि ओरिजिनल कंपाउंड्स वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, उनमें हाइड्रोजन ना हो, ठीक है। अब बस चार्ज पे आ जाते हैं बेटा, चार्ज गिनना है, इधर -1 इधर +8, कितना +7। ये गिनने में भी बच्चा गड़बड़ करता है बेटा, है ना। तो -1 है बेटा, दिख रहा है आगे कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब एक ही मोल है -1। H+ एक एच के ऊपर +1, मैं तो बच्चों जैसे सब चीजें बता दूं बेटा, और 8 है इसलिए 8 हो गए। इधर देखें बेटा, तो टोटल ऐड करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। दोनों मतलब बोलने में मुझे भी शर्म आ रही बट बोल दे रहा हूँ, दोनों प्लस हो तो बेटा ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस हो तो भी ऐड होंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। वो प्लस माइनस हो तो इतनी मैथमेटिक्स आती होगी, वो फिर सब्ट्रैक्ट होंगे, तो -+8 -1 दैट इज +7। इधर +2 इधर 0 बेटा, तो ये आपको 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में डालने पड़े। ये एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गई बेटा, और शायद केमिस्ट्री के वर्ल्ड की इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। पर मैग्नेट इज ए KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट या पर मैग्नेट आयन इज ए वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शायद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में यूज़ होता है। इनफैक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आते हैं उनमें पर मैग्नेट और डाइक्रोमेट सबसे ज़्यादा यूज होते हैं बेटा। ऑब्वियसली एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको हर साल दिखेगा ही दिखेगा। और एसिडिक मीडियम में ये Mn+2 में बदलता है, हैविंग N-factor 5, आपने शायद सुना भी होगा। और ये रिएक्शन पता नहीं कितनी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी गई, पता नहीं कितनी बार बच्चों, ठीक है जी। तो AOHC दिस इज मैट्रिक एटम ऑक्सीजन हाइड्रोजन चार्ज, मैंने ये सब समझा दिया है। अब हम केल धड़ाधड़ है ना रिएक्शंस को बैलेंस करते हुए चलेंगे, है ना। 10-15 में झड़ी लगा दे रहा हूँ। मान लीजिए अगली रिएक्शन डाइक्रोमेट आयन हमारा कन्वर्ट हो रहा है Cr+3, ठीक है। ऑक्सीलेट आयन इज कन्वर्टिंग इनटू CO2। खूब सारी रिएक्शन है, इफ यू वॉन्ट यू कैन अटेम्प्ट करना चालू कर दिया बेटा। H2S इज कन्वर्टिंग इनटू सल्फर। फोर्थ थायोसल्फेट आयन इज कन्वर्टिंग इनटू टेट्राथायोनेट आयन। फिफ्थ आपका नाइट्रेट आयन इज कन्वर्टिंग इनटू NH4+ आयन, ठीक है जी। चलिए तो मैंने 5 लिखी है बच्चों, आपने अटेम्प्ट कर लिए, वीडियो पॉज करना चाहो आप कर सकते हो, आपके ऊपर तो सब अधिकार है बेटा। आप हमें दौड़ा भी सकते हो, नचा भी सकते हो, भगवा भी सकते हो, सब कुछ आपके हाथ में। चलिए बैलेंस करते हैं बेटा। बाय डिफॉल्ट इफ मीडियम इज नॉट मेंशन, हमेशा एसिडिक माना करो। पहली रिएक्शन बेटा एटम क्रोमियम को करा 2, है ना। फिर ऑक्सीजन 7 है, एसिडिक मीडियम है 7H2O, अपोजिट साइड में 14H+। हाइड्रोजन जरूरत ही नहीं है क्योंकि कंपाउंड में नहीं था, खत्म। देन चार्ज +14 -2 दैट मीन +12, इधर +6 इधर 0 है, तो आई विल ऐड 6 इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए 10 सेकंड से ज़्यादा समय लगा, मुझे बोलने में लग सकता है बेटा, ठीक है ना। अगर मैं नहीं बोलूँगा तो ये लीजिए, अब आप बता दीजिए 10 सेकंड से ज़्यादा लगाओ, नहीं बोलूँगा तो इतना ही समय लगेगा, हाँ बोलने में थोड़ा लग सकता है। अगले में क्या करा बेटा, कार्बन 2 करें, ऑक्सीजन 4 थे सीधे 4 हो गए, मतलब मेरी पेनी नजरें भी हैं, आपकी भी होनी चाहिए कि तुरंत ये दिमाग में चलते रहना चाहिए। हाइड्रोजन है ही नहीं बेटा, खत्म, सीधे चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये सब जो आप निकाल रहे हो ना बेटा, बेसिकली यही एन फैक्टर भी है, ये सब जो आप निकाल रहे हो दैट इज बेसिकली एन फैक्टर, ये सब आप जो निकाल रहे हो दैट इज बेसिकली एन फैक्टर। H2S सल्फर में बेटा, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस, देखो फर्स्ट स्टेप ही बैलेंस है, ऑक्सीजन है नहीं, सीधे हाइड्रोजन 2H+। अब देखो ओरिजिनल कंपाउंड में हाइड्रोजन आया है तो जरूरत पड़ी है, ठीक है ना, और चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। फास्ट भी होना चाहिए, सल्फर इधर 4 है बेटा, इधर 2 है, 2 करा, ठीक है। ऑक्सीजन 6 हो गए, 6 बैलेंस, हाइड्रोजन है ही नहीं, खत्म, तो अब चार्ज 2 - -4, इधर -2 है, 2 इलेक्ट्रॉन। एग्रीड। NO3- इज कन्वर्टिंग इनटू NH4+, नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों आ गए, डरने की तो कोई बात ही नहीं। 3 ऑक्सीजन है, 3H2O,
तीन ऑक्सीजन है 3H2, अपोजिट साइड में 6H+, ठीक है जी। पहले यही करेंगे, फिर हाइड्रोजन बेटा। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, वहाँ पे 3 × 2 = 6 और 4 एक्स्ट्रा है 10, 10 हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन हमेशा किससे एक्स्ट्रा कितने हैं बेटा, 4 H+ से होगा, 4 H+ में यहाँ जो डालूंगा बेटा, है ना, तो उसे ऐसा नहीं आप अलग से लिख लो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि इसमें H+ का कोएफिशिएंट बताओ, तो बच्चों को वो एक 6 अलग लिखता, 4 अलग लिखता, कन्फ्यूज हो जाता कुछ बच्चे, मैं सभी की बात नहीं कर रहा बेटा, ठीक है ना, कुछ बच्चों में ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, कई बार रिएक्शन में ना H+ जैसे लिखा हुआ रहता है, H+ यहाँ लिखा हुआ होता, बोलता है इसमें H+ का कोएफिशिएंट कितना है, तो अगर 10 आ रहा है तो बच्चा बोलता है सर एक तो उसने लिख के दिया है ना, ये मैं आपको लाइव बातें बता रहा हूँ जो बच्चा मेरे से आके करता है, सर एक तो दिया हुआ है तो एक्स्ट्रा तो 9 होने चाहिए थे ना, टोटल 10 है, तो उसने वो एक दिया नहीं है बेटा, उसने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि H+ लेफ्ट हैंड साइड में ही आएंगे, अगर H+ पहले से दे दिया है तो, और नॉर्मली वो देगा ही नहीं, अगर दिया हुआ है तो वो जस्ट बता रहा है कि H+ आपका लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा, ठीक है जी। और अब बेटा हम लोग बात करें किसकी, चार्ज +10 और -1, +9 इधर, +1 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। ये सभी आपका एन फैक्टर भी बेटा किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का एक मोल जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करता है वो उसका एन फैक्टर कहलाता है। और एन फैक्टर को हम, अगर हमें प्रॉपर रेडॉक्स टाइट्रेशन में एन फैक्टर की जरूरत है, तब अब अगर बैलेंसिंग से इस तरह से करेंगे तो लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि तब हमें एन फैक्टर सीधे ऑक्सीडेशन नंबर से निकालते आना चाहिए, जो आपके सामने मैं दिखाने जा रहा हूँ बेटा। NO3- में नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर +5, और आई होप ऑक्सीडेशन नंबर में तो कमांड हो गई। देखो बैलेंसिंग में कहीं ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत नहीं, बट नॉर्मली जो बुक्स में गिवन होता है, NCERT की बात करें, जो टीचर सिखाते हैं वो या तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सिखाते हैं बेटा, या आयन इलेक्ट्रॉन, और वो भी लेंदी वाली, जिसमें बच्चा हमेशा ही कंफ्यूज होता है। मैं कोई लेंदी मेथड नहीं बता रहा हूँ, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ। ये +5 बेटा इधर -3, +5 से -3 कितने का चेंज, चेंज हमेशा बड़े में से छोटा, मतलब 5 में से -3 8 का चेंज है, उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये भी तरीका ध्यान रखना, ठीक है जी। चल और लिखिए बेटा कुछ रिएक्शन, और फिर ऐसे सेशन आते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, छोटे छोटे सेशन ही लाएंगे, ठीक है। मान लीजिए वो टिपिकल रिएक्शन बेटा CrI3, ठीक है ना, थोड़ा सा गैप दे के लिख लेते हैं बच्चों। अच्छा ये तो हमारा हाथ से ही साफ हो जाएगा, CrI3 कन्वर्ट हो रहा है, अब ये बेसिक मीडियम उसने बोल दिया क्रोमेट में CrO4-2 और आयोडेट में पर आयोडेट IO4-, ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन, तो कितनी भी बड़ी रिएक्शन दे सकता भैया, Fe CN6-4, ठीक है जी, इट इज कन्वर्टिंग इनटू Fe+3 कार्बोनेट नाइट्रेट, ठीक है जी। अगर मैं इनको कंप्लीट रिएक्शन के फॉर्म में दूं ना, बच्चे ढेर हो जाते, मुझे भी पता है, आधा आधा घंटा बैठे रहते हैं बेटा, ठीक है। AS2S3 इज कन्वर्टिंग इनटू AS2O5, ठीक है ना, प्लस सल्फेट SO4-2, ठीक है। अगला बेटा मान लीजिए और क्या दे रहा हूँ आपको, ठीक है कुछ भी लिख लेते हैं, खूब सारी रिएक्शन है बेटा। I2 इज कन्वर्टिंग इनटू IO3-, 10th मान लीजिए आपसे बोल रहा है। FeS2 इज कन्वर्टिंग इनटू Fe2O3 प्लस SO2, ठीक है जी। तो इनको आपको बैलेंस करना है, चलिए जी बच्चों, है ना। तो अगर आपने बैलेंस कर लिया है, अपना टाइम देखना 15-20 सेकेंड, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि क्रोमियम बैलेंस, आयोडीन 3 करा बेटा, ऑक्सीजन गिना 4, और इधर से 4 × 3 = 12 + 4 = 16, बेसिक मीडियम है, इस तरफ 16H2O, अपोजिट साइड में 32 OH-, हाइड्रोजन थाइनी कंपाउंड में कहानी खत्म, चार्ज को गिनेंगे -32, 0, -2, -3, -5, इधर -32, इधर -5, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 27 इलेक्ट्रॉन, ये इसका एन फैक्टर है खत्म, ये इसका एन फैक्टर है खत्म, ठीक है ना। ओहो, इतना डरावना क्वेश्चन, कुछ नहीं करना बेटा, हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है तो हमें कुछ जरूरत ही नहीं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है क्या नहीं है, हमें तो एटम Fe बैलेंस, कार्बन 6 है 6 करा, नाइट्रेट 6 है 6 करा, ठीक है, सीधे ऑक्सीजन पर आए, 6 × 18, 6 × 18, ठीक है जी, 18 18 36, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं बोला है, एसिडिक मीडियम मानते हैं, 36 वाटर, ठीक है जी, और अपोजिट साइड में 72 H+,
हाइड्रोजन ओरिजिनल कंपाउंड में ही नहीं, सीधे चार्ज पर आ जाए बेटा माइनस फोर, इधर प्लस थ्री, माइनस का 12, माइनस का 6, माइनस 18 और प्लस 3 प्लस का 15 और प्लस 15 और यहाँ पर कितना आपका, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, सॉरी हाँ माइनस का 15 सॉरी, और यहाँ से 72 बेटा, तो माइनस प्लस का 57, उधर माइनस का 4 है, कितने इलेक्ट्रॉन डाल दे बेटा 61 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, इतना फास्ट मत करिएगा बेटा कि गड़बड़ी हो जाए, भले आप 5 सेकंड और ज़्यादा ले लेना, क्योंकि हमें 2.5-3 मिनट तो एक क्वेश्चन को करने के लिए वैसे भी मिलते हैं, यही इसका एन फैक्टर भी है। As2S3 आर्सेनिक ऑलरेडी बैलेंस, सल्फर यहाँ पे 3 था बेटा, वहाँ हमने सल्फर को 3 करा, नाउ वी आर गोइंग फॉर ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन और 4 3 12, टोटल 17 ऑक्सीजन सा देयर, अगेन वी आर टेकिंग एसिडिक मीडियम, 17 H2O, अपोजिट साइड में 34 H+, हाइड्रोजन है ही नहीं बेटा, ये सब पेनी नजरों से चल रहा है हमारा। ठीक है, चार्ज 0, इधर देखें 0, माइनस 6 प्लस का 34, मतलब प्लस का 28, तो 28 इलेक्ट्रॉन। अब ये इनके एन फैक्टर भी बेटा निकाल के देख लो, As2S3 में आर्सेनिक के ऑक्सीडेशन नंबर +3, सल्फर की -2। ठीक है जी, आर्सेनिक +3 से As2O5 में +5 में जा रहा है, एन फैक्टर निकालने में बच्चा खूब बड़बड़ करता है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है, +3 से +5, दो का चेंज, एटम्स को ना भूलें, दो एटम है तो 2 × 2, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक एटम की लिखते हैं। सल्फर -2 से सल्फेट में +6, -2 से +6 कितना के चेंज बेटा 8 का, और 3 एटम है, एटम को ना भूलें, 8 3 24, +4 28, कहीं गलत हो ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि लॉजिक चल रहा है, इट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, इट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, अभी बैलेंसिंग वाला पार्ट है ना, इनऑर्गेनिक में पता होना चाहिए कैसे हो रहा क्या हो रहा है। अब मैं उन सेशंस को भी लाऊंगा आपके लिए, I2 से IO3 -2, ऑक्सीजन बैलेंस करें बेटा 6, ठीक है ना, एसिडिक मीडियम ही लेते हैं बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पर हमने 6H2O डाला साइड में 12H+, ठीक है जी, और उसके बाद चार्ज, हाइड्रोजन तो है ही नहीं बेटा, चार्ज इधर 0 है, उधर -2 +12, 10 इलेक्ट्रॉन जो हमें दिख भी रहा है बेटा, आयोडीन 0 से +5 में जा रहा है, एक एटम के लिए 5 का चेंज, 2 के लिए 10। अच्छा चलिए, आपके लिए एक और अच्छी सरप्राइजिंग चीज़ बता दूँ बेटा, अगर मैं इसी रिएक्शन को आपसे बोल रहा हूँ कि इस रिएक्शन को भैया बेसिक मीडियम में करो, इस रिएक्शन को, ठीक है, और अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है बच्चों, कुछ भी कन्फ्यूज़न बेसिक मीडियम में, तो अब नया रूल सुन लो बेटा, जितने H+ हैं उतने ही OH- दोनों साइड ऐड कर दो, जितने H+ हैं बेटा उतने ही OH- दोनों साइड ऐड कर दो, ठीक है ना भैया, केमिकल इक्वेशन और ऑर्डिनरी एल्जेब्रिक इक्वेशन, इसलिए आप थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स में करते ही हो बेटा, कभी किसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 3 से ऐड करना पड़ता है, ये सब करते हैं कि नहीं, तो हम दो सेम चीज़ें भैया मैथमेटिक्स में, एक इक्वेशन है 2x + 3y = 5, तो मैंने दोनों तरफ अगर मैं 5z ऐड कर दूंगा तो कोई फ़र्क तो ना पड़ेगा, वही हमने करा। इसका फ़ायदा क्या है बेटा, 12H+ 12OH- कंबाइन करके 12 वाटर बना देंगे, वाटर हमेशा H+ और OH- से बनता है, 12 वाटर बना और ऑलरेडी 6 वाटर यहाँ पर है, तो अब जो फाइनल रिएक्शन लिखी जाएगी 12OH- + I2, क्योंकि वाटर इधर 6 है उधर 12 बेटा, एक ही तरफ दिखना चाहिए ना अगर एक ही चीज़ है, तो गिव्स 2IO3- + 6H2O + 10 इलेक्ट्रॉन। आप देख लीजिए ये भी रिएक्शन बैलेंस ही है, अब ये आपको रिएक्शन बेसिक मीडियम में नजर आ रही, ये रिएक्शन अब आपको बेसिक मीडियम में नजर आ रही, तो कभी घबराना मत बेटा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ लॉजिक चल रहे बेटा, मस्त वाली लॉजिक। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन आज की सेशन की, अभी हम और करेंगे ऐसे सेशन आगे, FeS2 Fe2O3 में पहले Fe2 है, 2 करा बेटा, सल्फर 4 हो गया, इसको 4 करा, ठीक है जी। ठीक, अब ऑक्सीजन बेटा 3 + 8 = 11, हमने यहाँ 11H2O डाला, अपोजिट साइड में हमने 22H+ डाला, चार्ज LHS में है ही नहीं, RHS में भी इन दोनों का 0, 22H+ है तो 22 इलेक्ट्रॉन चार्ज डाला। ठीक है जी, अब यहाँ मैं अगर n फैक्टर पूछूँ FeS2 का तो 22 मत बोल देना बेटा, n फैक्टर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, और यहाँ पर FeS2 के 2 मोल हैं, इसलिए आपका n फैक्टर लास्ट रिएक्शन में 11 होगा। ठीक है जी, तो आई होप बेटा ये छोटा सा सेशन आपके लिए है ना काफ़ी फायदेमंद है, ऐसी रिएक्शंस आप जितनी बैलेंस करना चाहो, मैं अगले सेशन में फुल रिएक्शंस को बैलेंस करना सिखाऊंगा, इन्हीं की हेल्प से आपको जल्दी ही लाऊंगा वो सेशन, हो सकता है बीच में कोई नया सेशन भी ले आऊं, ताकि तब तक आप क्या करें बेटा, बैलेंसिंग की खूब स्ट्रांग प्रैक्टिस करें, इसके बिना इन जनरल केमिस्ट्री का नॉलेज इनडायरेक्टली तो अधूरा है बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग अगर ये नहीं आता है, इनमें हम अगर एक भी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं मतलब हमारा अभी उस लेवल पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अगर वो नहीं है बेटा तो आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करके उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा जहां आप जाना चाहते हैं, तो वील मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।